के लाहौर चैंबर इंतखाबात का पहला मरहला पिया फाउंडर्स अलायंस का क्लीन स्वीप सामने आया। अलायंस ने 688 वोट हासिल किए। कॉरपोरेट क्लास के कुल 947 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें, लाहौर का ताजरों का बड़ा मुकाबला आज हुआ और लाहौर चैंबर इंतखाबात का पहला मरहला पिया फाउंडर्स अलायंस ने क्लीन स्वीप किया है। अलायंस ने 688 वोट हासिल किए। कॉरपोरेट क्लास के कुल 947 वोटर्स ने हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल किया है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें कि लाहौर चैंबर इंतखाबात का पहला मरहला ख़त्म हो गया। पिया फाउंडर्स अलायंस ने क्लीन स्वीप किया है। इस पर डिटेल्स लेंगे अब्दुल कादिर मदनी से। बताइएगा अब्दुल कादिर मदनी, शहर की कारोबारी बरादरी का बड़ा चुनाव है और लाहौर चैंबर इंतखाबात का पहला मरहला जो है पिया फाउंडर अलायंस ने अपने नाम कर लिया। कॉरपोरेट क्लास की कुल वोट जो है वो आज 947 कास्ट हुए हैं, जिसमें पिया फाउंडर अलायंस की के पैनल ने 688 वोट हासिल किए हैं, जो कि 7 उम्मीदवारान का पैनल था, जिसमें कॉरपोरेट क्लास के 7 नशितों पर पिया फाउंडर अलायंस का पूरा पैनल भारी एक्सपीरियंस से कामयाब हो चुका है। कॉरपोरेट क्लास के पिया फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारान नदीम कुरैशी, मियां तारिक, मिसबाह रहमान और ताहिर मंजूर चौधरी कामयाब हुए और साथ ही साथ सैयद मरदान अली जदी, अब्दुल वदूद अलवी, मलिक रियाज और मुबशर नसीर भट्ट भी कामयाब हो चुके हैं। इसके खिलाफ के हमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार ताहिर मलिक और मियां मोहम्मद नवाज जो है वो इलेक्शन हार चुके हैं और इस वक्त सप्लिट या मुतफरक वोट की गिनती का मरहला जो है वो जारी है। मुतफरक वोट की गिनती के बाद तमाम उम्मीदवारान के इंफरादी वोट भी सामने आ जाएंगे कि किस उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए हैं। ताहम इस वक्त जो है वो पिया फाउंडर अलायंस की जानिब से जो है वो 7 उम्मीदवारान जो मैदान में उतारे गए थे, 7ों के 7ों उम्मीदवार पैनल वोट के बुनियाद पर जो है वो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि पैनल वोट जो है वो 688 पिया फाउंडर अलायंस ने हासिल किए हैं और कुल वोट जो थे वो 947 पास हुए थे। जी ठीक है, शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी।